हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट्स यूनिवर्सिटी। और आपको पता ही है जो विजुअल एड सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2012 से लेकर 2019 तक के सारे पेपर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते आए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पेपर का लिंक मिलता है, जिसको आपको खुद अटेम्प्ट करना होता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों बढ़ जाता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहे और चैनल को अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू विजुअल नेट सीरीज। और आज हम नेट का पेपर करेंगे 2017 नवंबर महीने का। और 2020 जुलाई जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पेपर टू से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एन इंग्रेडिएंट ऑफ लिक्विड फ्लेक्सोग्राफिक इंक इज कॉल्ड। देखिए, जो इंग्रेडिएंट होता है ये फ्लेक्सोग्राफी वाली इंक में, ये पहले यूज़ किया जाता था एनिलाइन डिन, ठीक है। एनिलीन डाई यूज़ की जाती थी जो काफ़ी टॉक्सिक थी, तो इसमें इम्प्रूवमेंट आता गया, फिर ये सॉल्वेंट हुई और अब इसमें यानी वाटर बेस्ड इंक यूज़ की जाती है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और आजकल यूज़ की जाती है। जब मैं 2020 में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एनिलीन डाई काफ़ी टॉक्सिक थी, इसलिए इसको यानी इसका यूज़ बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द सब्जेक्ट ऑफ डी पी राय चौधरीज पेंटिंग वर मोस्टली। डी पी राय चौधरी की जो पेंटिंग्स होती थी उसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट फीमेल पर आधारित होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे सामने, इन प्रिंट मेकिंग एक्वाटिंट इफेक्ट इज ऑप्टेन बाय। जो एक्वाटिंट इफेक्ट क्रिएट किया जाता है वो रेजिन के थ्रू किया जाता है हमारी प्लेट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे सामने, कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो कोलाज प्लेट का जो प्रोसेस था वो इंडिया के अंदर कौन लेके आए, कवल कृष्ण, ठीक है। और ये कृष्ण थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि कोलाज प्लेट कवल कृष्ण क्या कृष्णा रेड्डी विस्कोसिटी लेके आए, ठीक है, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो वो क्लियर कर लेना। कोलाज प्लेट हमारे कवल कृष्ण लेके आए इंडिया, और विस्कोसिटी की बात हो तो कृष्णा रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे सामने, कलर प्लेस ऑन सरफेस इन सीक्वेंस टू ऑब्टेन अ फ्लो कॉल्ड। कई कलरों को हमने सीक्वेंस में लगा दिया और उसको यानी प्लेस किया, तो उसमें ऑफकोर्स हमें ग्रेडिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें कोई हार्मोनी या बैलेंस कंट्रास्ट देखने को नहीं मिलेगा, ग्रेड देखने को मिलेगा एक कलर से दूसरे कलर की हो जाते हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे सामने, नेम द राइटर ऑफ द बुक टाइटल माइथ एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। तो ये वाली बुक किसने लिखी है, ये वाली बुक लिखी है हमारे एच जिमर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे सामने, हु सजेस्टेड फोर्थ डायमेंशन इन पेंटिंग। जो पेंटिंग के अंदर फोर्थ डायमेंशन लेके आए थे वो थे लॉरिनोव, ठीक है, रशियन आर्टिस्ट है ये लॉरिनोव, जो रशियन आर्टिस्ट है, प्लस रेनिज्म, जो रेनिज्म चला था रशिया के अंदर उसमें भी ये पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, ठीक है, लॉरिनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है हमारे सामने, पेंटिंग टाइटल बाथर्स इन फ्रंट ऑफ टेंट, ये किसके द्वारा बनाया गया है। ये बनाया गया है पॉल सेजान के यानी द्वारा। और अगर आप इस पेंटिंग को देखोगे तो आप यानी तीन चार फिगर न्यूड और एक टेंट समथिंग कुछ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारे सामने, चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज वॉज फाउंडेड बाय। तो जो चोलामंडल था, जो मद्रास की साइड था, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा आर्ट मूवमेंट रहा, वो के सी एस पन्नीकर ने फाउंड किया था। के सी एस पन्नीकर जो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे, ठीक है, चोलामंडल इन्होंने 1966 में फाउंड किया था। और जब ये मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे जब इन्होंने ये फाउंड किया, और मद्रास के आर्ट मूवमेंट को बहुत अच्छी दिशा दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, हु रोट द बुक वर्ड्स एंड लाइंस। वर्ड्स एंड लाइंस जो बहुत बढ़िया बुक है, ये लिखी थी एफएन सूजा ने, ठीक है। एफएन सूजा अगर आप जानते होंगे तो ये यानी जो पैग था, जो प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप था, उसके मेंबर थे ये, ठीक है। और इनका जन्म देखे तो 1900
1924 गोवा के अंदर इनका जन्म हुआ और इनको यानी ब्रिटिश वगैरह कई जगह से यानी बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड मिले, नागरिकता भी मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने, वेयर इज पंडेथन टेम्पल लोकेटेड। जो ये टेम्पल है पंडेथन, ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका ये जो डायमेंशन दिखेगा ना इस टेम्पल का, काफ़ी अच्छा है, आप देखना जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, व्हाट वाज द टेक्निक यूज्ड बाय माइकलएंजेलो टू पेंट द सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैम्पल इन वेटिकन सिटी। देखिए, जो वेटिकन में सिस्टाइन चैम्पल के अंदर माइकलएंजेलो ने जो पेंट किया था, ठीक है, जो दीवारों पर आपने देखा होगा, छत पे भी बिल्कुल कैसे पेंट किया होगा, ठीक है, तो वो पेंट के लिए कौन सी टेक्निक यूज की थी? ऑफ कोर्स फ्रेस्को, ठीक है, फ्रेस्को की ही टेक्निक वहां पर यूज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, ग्लिप्टिक मोड ऑफ रेंडरिंग फ्रॉम इज एसोसिएशन विथ, यानी जो ग्लिप्टिक मोड है वो किससे एसोसिएट करता है यहाँ पे, तो हमें वो बताना है। तो जो ग्लिप्टिक मोड है उसका यानी कार्विंग से काफी ज्यादा एसोसिएशन है, क्योंकि जो ग्लिप्टिक का मतलब होता है वो होता है कार्विंग या इनग्रेविंग। ठीक है, दो मीन होते हैं ग्लिप्टिक के, इनग्रेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, नेम द स्कल्प्टर हु वाज कमीशन बाय महाराजा ऑफ बड़ौदा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड टू प्रोड्यूस वर्क फॉर लक्ष्मी विलास पैलेस ऑफ बड़ौदा। देखिए, जो स्कल्प्टर थे महाराजा ने बुलाया था, जिसको कमीशन वर्क दिया था, ये थे फणीन्द्रनाथ बोस। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया स्कल्प्टर थे, ये लंदन वगैरह गए, वहाँ पे स्टडी वगैरह किए उन्होंने, और फिर जब इंडिया में बुलाया गया तो काफ़ी कमीशन वर्क भी किया इन्होंने काफ़ी सारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, विच इंडियन स्कल्प्टर वॉन द सिल्वर मेडल इन अप्रिसिएशन फॉर हिज वर्क एट द 1948 समर ओलंपिक। तो समर ओलंपिक में जिसे सिल्वर मेडल मिला था वो है हमारे चिंतामणि कर। ठीक है, इनको सिल्वर मेडल मिला था समर ओलंपिक 98 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, वन ऑफ द मेजर मटेरियल फॉर एफआरपी पॉलीमर इज। जो एफआरपी पॉलीमर होता है उसके अंदर जो मेजर मटेरियल यूज किया जाता है वो है इपॉक्सी। ठीक है, रेजिन जैसी होती है इपॉक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने, हु इज डिस्क्राइब्ड एज जापान्स कंज्यूमेट विजुअल कम्युनिकेटर। जापान कंज्यूमेट कम्युनिकेटर किसे कहा गया? शिगो फुकुदा, जो एक बहुत बढ़िया यानी आप देखोगे इसके काम, तो इसको स्पेशली कम्युनिकेटर ऑफ जापान कहा जाता है। इनके पोस्टर काफी सिंपल सिटी में दिखेंगे आपको सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, विच सिटी हैज अ डेंस अंडरग्राउंड पोस्टर एनवायरमेंट। देखिए, जो अंडरग्राउंड पोस्टर की बात आए तो हमारा लंदन के अलावा कहीं और नहीं जाना आपको। ठीक है, पोस्टर म्यूजियम की बात आए तो पोस्टर म्यूजियम पोलैंड के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, मूविंग पिक्चर इलस्ट्रेशन डेवलप फॉर अ स्टोरी बोर्ड टू गिव क्लाइंट एन आइडिया ऑफ फिनिशिंग कमर्शियल। देखिए, जो मूविंग इलस्ट्रेशन होती है उसको हम क्या कहेंगे, जो स्टोरी के पार्ट्स वगैरह बनते हैं उसके मूविंग पूरा सीन बनाया जाता है तो उसको कहते हैं एनिमेटिक। ठीक है, यानी फिनिशिंग से पहले बनाया जाता है इसे क्लाइंट को दिखाने के लिए, जो वो अप्रूव कर सके, समझ सके कि आइडिया क्या है, उसे कैसे फिनिश किया जाएगा और क्या रहेगा प्रोसेस पूरा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, अन एडवर्टाइजमेंट दैट हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ न्यूज़ आर्टिकल और एडिटोरियल। देखिए, जो न्यूज़ आर्टिकल जैसे दिखती है और एडिटोरियल समथिंग होती है तो वो उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एडिटोरियल कहते हैं। ठीक है, जो एडिटर द्वारा स्पेशली लिखा जाता है एक प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। लाइमस्टोन हम कहाँ पे यूज देखने को मिलता है? लाइमस्टोन जर्मन से रिलेटेड है, क्योंकि लाइमस्टोन मतलब लिथोग्राफी, जो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? जर्मनी में।
फिर आता है पेपिरस, जो पेपर का आविष्कार था वो इजिप्ट में हुआ, ठीक है। मूवेबल वुडन टाइप जो चाइना में हुआ सबसे पहले वुडन, और मेटल का कहे तो जर्मनी में। फिर ऑफसेट देखे तो इंग्लैंड के अंदर आया सबसे पहले। तो ये प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड थे सारे। तो हमारा 3421 ऑप्शन हो जाएगा, 3421 सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे मैच द फॉलोइंग पूछ रहा है। तो सबसे पहले आएगा वुड ब्लॉक जो 220 एडी चाइना के अंदर हुई। प्रिंटिंग प्रेस जो गुटेनबर्ग लेके आए थे 1440 में, ठीक है। फिर आता है एचिंग 1515, और मूवेबल टाइप 1040, ये भी चाइना का ही है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3124। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन को सेकंड से मिलाना है। द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए आएंगे एच बाड्रिक, ठीक है, बाड्रिक नाम आएगा इनका। और द बुक का फिर नेक्स्ट बुक है द प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसमें आएंगे स्टुअर्ट पिकार्ट। और फिर आते हैं द स्टोरी ऑफ आर्ट, इसमें आएंगे जी एच गॉम्ब्रिंच। फिर आते हैं द आर्ट ऑफ इंडिया, ये लिखी है स्टेला क्रेमिश ने। तो हमने बुक और उनके राइटर को मिला दिया है सारों को। तो हमारा 2341 ऑप्शन होगा, 2341 थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 24 है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन को टू से मिलाना है। तो यहाँ पे आएगा डाई ब्रूके जो एक एक्सप्रेशनिस्ट आर्टिस्ट का ग्रुप था, इसमें आएगा एरिक हेकल, ठीक है। फिर आता है डे स्टिजिल जो न्यू प्लास्टिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसमें आएगा वैन डॉसबर्ग। फिर आते हैं कोबरा ग्रुप, ये भी एक आर्ट मूवमेंट था, ठीक है। तो इसका आएगा हमारा कॉर्नेल है। फिर आते हैं हम इस पे ब्लू राइडर या पॉल क्ली का, ब्लू राइडर भी एक ग्रुप है प्रॉपर, ठीक है। और ब्लू राइडर में तो अगर आप देखोगे तो 1911 में काफ़ी अच्छा पॉपुलर रहा, और 14 तक यानी काफ़ी पॉपुलर रहा ब्लू राइडर ग्रुप। और इसके अंदर यानी अच्छे नाम आते हैं जैसे कांडेस्की हो गया, कोबरा ग्रुप जो 1948 में यानी रहा, और फिर पेरिस के अंदर ये पूरा मूवमेंट चला, देश तीजल जिसे न्यू प्लास्टिज्म कहते हैं 1917 में रहा ये। फिर डाई ब्रूके जो यानी एक बहुत बढ़िया ग्रुप था एक्सप्रेशनिज्म का जो जर्मनी के अंदर रहा, और इसके ये डेट एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे ग्रुप और उनके यानी आर्टिस्ट वगैरह से हमने जोड़ दिया। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4321। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन से सेकंड को जोड़ना है। बदामी केव टेंपल, बदामी केव टेंपल से हम चालुक्य को जोड़ सकते हैं, बराबर की केव से हम मौर्य को जोड़ सकते हैं क्योंकि उसी समय पर बनी थी, एलिफेंटा केव से हम कलचुरी से जोड़ सकते हैं क्योंकि माना जाता है एलिफेंटा केव यानी कलचुरी द्वारा बनाई गई, बट इसके कई सही से साक्ष्य नहीं मिलते हैं। उदयगिरी केव से हम गुप्ता टाइम पीरियड को जोड़ सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2143। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, ठीक है, 25वें का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन से सेकंड को जोड़ना है। तो यहाँ पे आएगा हमारा जॉन वैन आइक, ये जाने जाएंगे हमारे बिथोवन, द बेट्रोथल ऑफ द अनोल्फिनी, ठीक है। फिर आएगा हमारा रोजर वैन डेर वाइंडे जो ये द डिसेंट फ्रॉम द क्रॉसेस वेल पेंटिंग में आ जाएगा। लियोनार्डो द विंसी की हमारे को पता ही है द लास्ट सपर, और माइकल एंजेलो की डाइंग स्लेव, ठीक है, डाइंग स्लेव। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4123। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू एक्लेक्टिज्म इन देयर आर्ट, ठीक है, आर्ट को उनसे मूवमेंट से वगैरह मिलाना है। तो इसम नागुची का आएगा ओरिएंटल आर्ट, एटिने हेजडू का आएगा
अर्ली ग्रीक आर्ट से रिलेटेड है, मारिनो मरीनी हमारे इट्रोस्कन से जुड़े हुए हैं और हेनरी मतीस हमारे प्रिमिटिव आर्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारा सही सीक्वेंस ऑलमोस्ट लग गया है, 3-4-2-1 तो हमारा हो जाएगा, 3-4-2-1 फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर मेल्टिंग पॉइंट। अब हमें जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको उससे मिलाना है, तो एल्यूमिनियम का आपको पता ही होगा जो अराउंड सबसे कम ही होता है 1218 यानी डिग्री फारेनहाइट। अगर इसको हम सेल्सियस में लेके आएंगे तो इसका भी अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉपर पे चलते हैं, कॉपर का यानी आपको पता है 1981, स्टील का थोड़ा सा सबसे ज़्यादा हाई रहता है तो वो है 2500 और टिन का सबसे कम माना जाएगा यहाँ पे 450। ठीक है, तो ये उसके मेल्टिंग पॉइंट पे मिल जा दिए हमने सारे मेटल्स को, तो यहाँ पे हो जाएगा 4-3-2-1 4-3-2-1 लास्ट वाला हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, मैच द टर्म विद द टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब टर्म जो यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजिंग में हमें वो मैच करना है। सेंटर स्प्रेड क्या होती है, हम प्रिंट के लिए यूज़ किया करते हैं जैसे मैगजीन्स वगैरह ना, प्रिंट एंड पीरियडिकल एडवर्टाइजमेंट। टाइम स्क्वायर OH एक हमारा बड़ा वाली यानी एडवर्टाइज होती है जो आउटडोर है ना। फिर आती है इंस्टाग्राम जो हम मोबाइल वगैरह से चलाते हैं, सेल फोन एंड मोबाइल एडवर्टाइजिंग आती है उसमें, और नेटिव एड में आ जाएगी हमारी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो हमारी सही सीक्वेंस में लग गई है 2-4-3-1 हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने, मैच द ब्रांड विद सेलिब्रिटीज एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। सेलिब्रिटी को उसके यानी जो कंपनी है जिससे जुड़ी हुई है उस प्रोडक्ट से उससे लगाने, तो कॉलगेट एक्टिव सॉल्ट जुड़ा हुआ है अनुष्का शर्मा से, और लोरल पेरिस दीपिका पादुकोण, फिर आते हैं BMW इंडिया सचिन तेंदुलकर जुड़े हुए, टाटा मोटर्स में जुड़े हुए लियोनेल मेसी। ठीक है, तो हमारा लग गया सही ऑप्शन 2-4-3-1 हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे सामने, अब असर्शन पूछा जाएगा। तो देखिए असर्शन में ये कह रहा है, द अर्लीस्ट लिथोग्राफी प्रिंट वर्क प्रिंटेड फॉर एन इलस्ट्रेटेड बुक एट गवर्नमेंट पेरिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कई सही कहा जा रहा है, बिल्कुल जो गवर्नमेंट की थी इंडिया की, उन्होंने यानी लिथोग्राफी का यूज एक बुक इलस्ट्रेशन के लिए किया सबसे पहले, तो यहाँ पे असर्शन सही है। रीजन दिया जा रहा है, द प्राइस वॉज इस्टेब्लिश इन 1824, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे रीजन असर्शन दोनों सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर 31 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे सामने, असर्शन कहता है एक्वा टिंट इज नोन एज पार्ट ऑफ इंग्रेविंग प्रिंट मेकिंग प्रोसेस। जो एक्वा टिंट है वो पार्ट है इंग्रेविंग प्रिंट का, तो बिल्कुल गलत है। एक्वा टिंट जो यूज़ किया जाता है यानी उसका अलग इफेक्ट होता है, इंग्रेविंग अलग इफेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा असर्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। रीजन देखते हैं इसका, रीजन कह रहा है बिकॉज इन इंग्रेविंग प्रिंटिंग प्रोसेस द इमेज इज सनकन बिलो द सर्फेस ऑफ द प्लेट। यहाँ पे रीजन सही कह रहा है पर एक्वा टिंट के लिए नहीं कह रहा, बट रीजन बिल्कुल सही है। एनग्रेविंग को सही एक्सप्लेन किया है कि जो इमेज बनते हैं वो सनकन एरिया में बनते हैं, मतलब जो हम खुरेदते हैं उसमें इंक भरी जाती है और वही आगे जाके प्रिंट होती है, तो यहाँ पे रीजन बिल्कुल सही है बट असर्शन गलत है। तो ए इज इनकरेक्ट बट आर इज ऑल्सो करेक्ट, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33 है, असर्शन कहता है क्रिएटिव इम्पल्स इज द प्राइमरी फोर्स इन ऑल आर्ट्स। बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है असर्शन में, जो क्रिएटिविटी है वो हर एक आर्ट में दिखनी चाहिए और उसी को बल मिलता है उसमें, तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज एन आर्टिस्ट एक्सपीरियंस द प्लेजर ऑफ सुप्रीम पावर।
बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आर्टिस्ट जो उसके माइंड में चलता है उसे वो एक्सपीरियंस करता है रियल में, तो यहाँ पे भी रीजन में बिल्कुल सही कहा जा रहा है, तो बोथ आर करेक्ट है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेशन कहता है ऑल ट्रूथ आर हाईली ब्यूटीफुल व्हेन आर्टिस्ट बिगिन टू सी ब्यूटी इन ट्रूथ ट्रू आर्ट राइजेस। बिल्कुल करेक्ट कहा गया, एकदम राइट सेट। क्या कह रहा है, जो ऑल ट्रूथ है, जो सारा जो सच है, आर हाईली ब्यूटीफुल व्हेन आर्टिस्ट बिगिन टू सी ब्यूटी इन ट्रूथ। अगर आर्टिस्ट उस ब्यूटी में सच्चाई देखे और सच्चाई में सुंदरता, तो बहुत अच्छी आर्ट निकल के आते हैं, ट्रू आर्ट अराइजेस। रीजन दिया जा रहा है, बिकॉज इफ आर्टिस्ट वॉन्ट टू क्रिएट अ ट्रूथफुल आर्ट ही मस्ट प्लंग डीप इन टू द रूट ऑफ आर्ट। रीजन भी हमारा बिल्कुल सही है, अगर आर्टिस्ट उस कुछ क्रिएट करना चाहता है जो ट्रूथफुल है, ही मस्ट टू प्लंग, उसे डूबना यानी डुबकी लगानी पड़ेगी एकदम रूट वाले कोज में, टू फाइंड अ न्यू आर्ट, ठीक है, टू फाइंड आर्ट, टू मेक आर्ट, ठीक है। तो हमारा रीजन और असेशन बिल्कुल सही है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे सामने। असेशन कहता है पैब्लो पिकासो टू कीन इंटरेस्ट इन प्रिमिटिव आर्ट। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, पैब्लो पिकासो ने अपना प्रिमिटिव आर्ट में बहुत ज्यादा यानी कीन इंटरेस्ट दिखाया। रीजन दिया जा रहा है, दिस इज बिकॉज ही विश टू लर्न हाउ इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अप एन इमेज आउट ऑफ अ फ्यू सिंपल एलिमेंट। और ये इसीलिए हो पाया, ही विश टू लर्न हाउ टू पॉसिबल बिल्ड एन इमेज आउट ऑफ फ्यू सिंपल स्टॉक। और उसने ये सीखा, लर्न किया कि किस कैसे सिंपल एलिमेंट का यूज करके पूरी फिगर को क्रिएट किया जा सकता है, इमेज को क्रिएट किया जा सकता है। और जो प्रिमिटिव आर्ट की तरफ ये बढ़े थे, इंटरेस्ट दिखाया था, तो ये भी काफ़ी बहुत बढ़िया था, क्योंकि आप देखोगे जब ये 14 साल के थे पैब्लो पिकासो, इन्होंने हाइपर रियलिस्टिक करना स्टार्ट कर चुके थे, और जब ये थोड़े से ओल्डर एज में आए तो इन्होंने प्रिमिटिव की तरफ जाना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा, यानी प्रिमिटिव की तरफ जाना, आदिकाल की तरफ जाना क्यों स्टार्ट किया इन्होंने, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि वो लोग कैसे ड्राइंग बनाते थे। इसलिए इन्होंने, आपने देखा होगा इनका बुल सीरीज वगैरह, ऐसे ऐसे कुछ ही स्ट्रोक में बना दिया करते थे वो, ऐसे पेंटिंग और बस हो गई, भागते हुए का भी दिख जाएगा, दौड़ते का हुआ, यानी कुछ ही स्ट्रोक में पूरी यानी फिगर तैयार हो जाती थी। तो इन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है प्रिमिटिव आर्ट की, तो ये आसान नहीं था, ठीक है। लोग समझते हैं ना कि पैब्लो पिकासो ये दो लाइन खींच के ऐसे तो ना हो गया, बट उन्होंने मेहनत करी उस चीज के लिए, ठीक है। तो हमारा रीजन असेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने। असेशन है प्रिमिटिविज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म वर द गाइडिंग प्रिंसिपल एट कला भवन शांति निकेतन। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, एनवायरमेंटलिज्म और प्रिमिटिविज्म के बेस था यानी गाइडिंग प्रिंसिपल था कला भवन के अंदर शांति निकेतन में। रीजन दिया जा रहा है, एट कला भवन प्रेफरेंस वॉज द फॉर ट्रेडिशन मोड ऑफ एजुकेशन ओवर द मॉडर्न। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को, जो कला भवन है उसमें प्रेफरेंस दिया जाता था ट्रेडिशन को और ऑफ एजुकेशन ओवर द मॉडर्न, मॉडर्न के ऊपर, तो रीजन गलत दिया जा रहा है। दोनों को बैलेंस यानी अपने एजुकेशन को ज़्यादा बैलेंस दिया जाता था मॉडर्न ट्रेडिशन की, तो बात ही नहीं होती थी वहाँ पे। तो हमारा 36 का असेशन तो सही है, रीजन सही नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। असेशन कहता है काओलिन इज यूज इफेक्टिवली इन द स्लिप कास्टिंग ऑफ सेरामिक स्कल्पचर फ्रॉम मोल्ड। देखिए जो काओलिन होती है वो यानी सेरामिक में यूज की जाती है, स्पेशल मिट्टी करीब होती है, तो इज यूज इफेक्टिव स्लिप कास्ट, स्लिप कास्ट में यूज होती है, बिल्कुल सही, फॉर सेरामिक स्कल्पचर फॉर मोल्ड, मोल्ड में, ठीक है। इसको फिर तुरंत निकाल लिया जाता है। रीजन दिया है बिकॉज इट्स हाई श्रिंकेज रेट। रीजन इसका गलत है, ठीक है, असेशन सही है, उसके कोई श्रिंकेज रेट ऐसा कुछ नहीं है, हाई है, ये है वो है, उसका प्रॉपर है
यानी आपने मोल्ड में डाला उसको तुरंत निकाल लेते हैं, जिससे एक थिक लेयर लग जाती है। अराउंड 6 मिनट तो मैक्सिमम होते हैं, 2 मिनट से लेकर 6 मिनट के बीच में ही मोल्ड में रखते हैं, फिर उसे वापस उड़ेल लेते हैं जो इवन लेयर भी तैयार हो सके। तो हमारा असेशन सही है, रीज़न गलत है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, असेशन कहता है एडिनल फ्यूटिगस यूनिवर्स फोन फैमिली व्हेन लेड इन फुल बिकम अ मैप इन इटसेल्फ। ये वाला जो फोन हम यूज़ करते हैं फ्रंट फ्रेटिगर वाला, तो जब इसे लगाया जाता है तो ये एक मैप की तरह दिखता है। तो ये बिल्कुल सही है असेशन, आप यूज़ करना है इस फोन को, आपको समझ में आएगा। रीजन में कहा जा रहा है बिकॉज इट एक्सप्रेस द इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक इन ईच कट आउट ऑफ द टाइप फेस एंड एक्ट्स एज लेजेंड टू द मैप। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, इसमें यानी इंडिविजुअल करेक्टर होते हैं जो अच्छे से एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे रीजन असेशन बिल्कुल सही है हमारा, बहुत आर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 38 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे सामने, असेशन कहते हैं प्रूफ चेक एंड प्रिंट आउट ऑफ डिजाइन वर्क नॉट नेसेसरी फॉर एक्यूरेसी एंड स्केल। बिल्कुल रॉन्ग सेशन दिया जा रहा है। प्रूफ चेक बहुत जरूरी है डिजाइन में, क्योंकि अगर किसी को 2000 प्रिंट चाहिए और उसने प्रूफ चेक नहीं किया और 2000 प्रिंट हो गए जिस पे 2 लाख रुपए लगने थे, तो फिर 2 लाख रुपए खराब हो गए ना। प्रूफ चेक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ध्यान रखना, ठीक है। असेशन गलत है हमारा, रीज़न देखते हैं बिकॉज कंप्यूटर स्क्रीन आर एक्यूरेट इन टर्म ऑफ एक्चुअल स्केल। यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग यानी कहा गया है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसका अपना काम है, बट जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें प्रिंट से ही मिलता है। तो प्रिंट से हम जैसे बॉक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी की ब्रांडिंग बैनर वैनर प्रिंट के लिए कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में वेब वाले तो एक्यूरेट रहेंगे, यानी जो वेब के लिए यूज़ करते हैं जैसे मोबाइल वगैरह के लिए, तो वो वाले बैनर वगैरह तो सही रहेंगे। बट जब हम प्रिंट में आते हैं तो अब हमें प्रिंटिंग वाले टर्म से सोचना पड़ता है, एक एक को प्रिंट निकालना पड़ता है और उस पर सोचना पड़ता है। तो हमारा असर्शन रीज़न दोनों गलत है, बहुत हार इनकरेक्ट है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे सामने, असर्शन कहता है स्कप्टर ओकेजनली एड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ लेड टू अ मोल्टन ब्रॉन्ज मास। बिल्कुल सही कह रहा है, जो मूर्तिकार होते हैं स्कप्टर होते हैं वो ज़्यादातर एक लेड का जो थोड़ा सा टुकड़ा मोल्टन ब्रास के अंदर डाल देते हैं थोड़े से पिघले हुए, जिससे क्या होता है रीजन में देखते हैं। एज इट लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग ब्रॉन्ज एंड ऑल्सो टू सॉफ्टन इट फिजिकली। और ये काफ़ी सॉफ्ट भी कर देता है, और जो कूल पॉइंट होता है वो थोड़ा सा जल्दी होता है, और लोअर पॉइंट मेल्टिंग। तो रीज़न बिल्कुल सही है हमारा, असर्शन भी सही है, तो हमारा बहुत आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस को हमें सीक्वेंस में लगाना है, तो सबसे पहले हम इमेज को क्रिएट करते हैं, फिर इमेज ट्रांसफर ऑन मेटल, मेटल पे ट्रांसफर करने के बाद हम उसे रबर ब्लैंकेट पे ट्रांसफर करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है, और यानी जब हम इसको रबर ब्लैंकेट पे यानी ट्रांसफर करेंगे तो ये उल्टा 3 प्रिंट होगा, उल्टा 3 होगा, इसलिए ये जो पेपर पे प्रिंट होगा वो एक्यूरेट 3 होगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। देखिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको यानी समझना है इसे, तो एक पेपर पे आप 3 लिखिए, ठीक है, उसको 3-4 बार रगड़िए, है ना, पेपर पे पेंसिल पे पेंसिल से लिख सकते हो या पेन से, ठीक है, उसी पेपर को उसी के साइड में या कहीं पर पीछे रखकर आप पीछे से थोड़ा सा स्क्रैच कीजिए, फिर देखना आपका जो प्रिंट आएगा ना वो उल्टा 3 आएगा, ठीक है, आपने सीधा तो बनाया होगा बट 3 आपका उल्टा छपेगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो प्रिंटिंग होती है उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है, हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं तो वो रिवर्स ही होगा, ठीक है। तो ये जो रबर ब्लैंकेट काम करता है ना, तो वो रिवर्स कर देता है, ठीक है, मेटल की जो प्लेट है उससे रबर ब्लैंकेट पे आता है, फिर हमारी पेपर पे आते हैं एकदम करेक्ट 3, ठीक है। तो आप इसी एग्जांपल से समझ लो,
और फिर इमेज ऑन सरफेस हमारा एकदम फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग के हमें समय के अनुसार लगाना है क्रोनोलॉजी, तो सबसे पहले जो आई वो देखना पड़ेगा। स्क्रीन प्रिंटिंग 1900 फोटोग्राफी लेटेस्ट में आएगी। रिलीफ प्रिंटिंग में आ जाएगा हमारा सबसे पहले। क्या होता है यानी वुडकट तो रिलीफ में आते हैं ना, तो वुडकट सबसे पहले आएगा। फिर हमारा आ जाएगा इंटाग्लियो, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, देन फोटोग्राफी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो इसके ऊपर भी मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको इनका डेट तो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, समय के अनुसार लगाना है हमें सीक्वेंस के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा के जी सुब्रमण्यम, जो सबसे पुराने हैं। ठीक है, इनका जन्म 1924 और केरला के ही रहने वाले ही है। ठीक है, फिर आएंगे हमारे तैयब मेहता। मेहता मतलब गुजराती, ठीक है, मेहता पटेल ये सारे गुजराती हैं। ठीक है, गुजरात के, इनका 1925 में जन्म हुआ गुजरात के अंदर। फिर आते हैं ए रामचंद्र, तो यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बन रहा, ये वाला ए रामचंद्र यहाँ पे आ जाएंगे। 1935 में इनका जन्म होता है, इनका जन्म भी केरला के अंदर ही होगा। फिर लास्ट में आते हैं विवान सुंदरम, जिनका जन्म 1943 में शिमला के अंदर होता है। ठीक है, तो हमारा यही वाला थर्ड वाला सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, समय के अनुसार लगा हुआ करेक्ट सीक्वेंस को हमें चुनना है। तो सबसे पहले जो आना चाहिए, यानी ये सारी पेंटिंग्स हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी वाली पेंटिंग आएगी, जो डाली द्वारा बनाई गई है 1931 के अंदर। फिर गुर्निका की आएगी, गुर्निका पेब्लो पिकासो ने बनाई थी 1937 के अंदर। ठीक है, और ये एक एंटी वॉर पेंटिंग थी। फिर आएगा हमारा ब्रॉडवे बुगी वुगी, इसको बनाया था पीएट मोंड्रियान ने, थोड़ा सा डिजाइनिंग वाले फॉर्म में बनाया था 1943 के अंदर। ठीक है, पीएट मोंड्रियान। फिर आता है लास्ट में ब्लू सर्कस, जो बहुत फेमस काम है मार्क शगाल का। ठीक है, मार्क शगाल। ठीक है, और इन्होंने 1950 में बनाई थी ये पेंटिंग ब्लू सर्कस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यानी पेंटर के नाम भी बता दिया आपको, सन भी बता दिया और एग्जैक्ट सीक्वेंस भी बता दिया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने। सेलेक्ट अनिश कपूर वर्क इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। देखिए, अनिश कपूर बहुत ज़्यादा जाने माने आर्टिस्ट है, यानी स्कल्प्टर है बहुत बड़े, तो इनके कामों को अब हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आना चाहिए यहाँ पे सबसे पुराना जो है एज इफ टू सेलिब्रेट आई डिस्कवर अ माउंटेन ब्लूमिंग विथ रेड फ्लावर्स। देखिए क्या होता है, ये वाली जो आपने देखी होगी, इसका नाम है एज इफ इट सेलिब्रेट, इसका पूरा नाम है माउंटेन इन रेड फ्लावर। तो इसमें इन्होंने क्या बनाया, यानी एक ट्राइंगल से बनाया है, उसमें सिंदूर वगैरह, यानी आप देखना कुछ ऐसे पिरामिड से बनाया छोटे छोटे, और नीचे सिंदूर की तरफ छिड़के हुए। ठीक है, तो ये वाला काम इन्होंने 1981 में किया था। ठीक है, फिर आएगा इसके बाद स्काई मिरर। स्काई मिरर बेसिकली बड़े बड़े मिरर इन्होंने एस्टेब्लिश किए थे एनवायरनमेंट के, यानी बीच में, जिससे बहुत अच्छा यानी फील आता था, यानी स्काई भी दिखता था और बड़ा मस्त सा लगता था। तो इन्होंने पूरी सीरीज बनाई थी 8 से 9 के, यानी स्काई मिरर लगाए थे 2001 के अंदर। फिर इन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर लगाया था, यानी ये क्लाउड गेट। ठीक है, क्लाउड गेट तो इनका बहुत ज़्यादा फेमस चला गया, यानी बिल्कुल वायरल, इसका ऐसा यानी राजमा की शेप का है। ठीक है, फिर चाइना वालों ने भी सालों ने कॉपी कर लिया इन्होंने आरामखोर ने। क्लाउड गेट अनिश कपूर का बेसिकली, चाइना वालों ने बाद में कॉपी करा, वो तो कॉपी में मर जाएंगे वो। ठीक है, 2006 के अंदर किया था
अनिश कपूर ने इसको क्लाउड गेट को बनाया था, बहुत बड़ा है स्टील का। फिर आता है टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, ये अपसाइड डाउन वाली अनिश कपूर ने 2011 के अंदर बनाई थी। और बेसिकली ये वाला एक ऐसा यानी मिरर सा है ऐसा करके, इसराइल के अंदर लगाया है इसने, बहुत सही लगता है। यानी अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी इमेज यहाँ पे बन रही होगी, ठीक है। तो ये अपसाइड डाउन वाला, तो इनका बहुत अच्छा अच्छा काम है, मैंने आपको बताया ना, आप खुद जाके देखो, बहुत प्यारा प्यारा काम है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे सामने। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ओल्डर टू यंगर, पुराने से नए की ओर हमें करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पुराना देखना पड़ेगा, डोनाटेलो ही सबसे पुराना दिख रहा है। इनका जन्म 1386 में होता है और ये इटालियन स्कल्प्टर है बहुत बड़े। डोनाटेलो के बाद आते हैं डेगास, एडवर्ड डेगास का जन्म 1834 में होता है और ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ये थे हमारे इटालियन, ठीक है। अब आते हैं अलेक्जेंडर काल्डर, ये यूएस के आर्टिस्ट है जो 1898 में इनका जन्म होता है। रिचर्ड लॉन्ग आते हैं इनके बाद 1945, जो एक स्कल्प्टर है यूएस यूके के, ठीक है, यूके के हैं अलेक्जेंडर काल्डर यूएस से, डेगास फ्रांस का और डोनाटेलो इटली के, ठीक है। तो हमारे सही सीक्वेंस में सारे लग गए हैं, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट क्रोनोलॉजिकली द फेमस पोस्टर एज दे इवॉल्व, जो सबसे देखिए पुराना यहाँ पे लोत्रेक का ही दिख रहा है, ये माउलिन रोज वाला, और फिर ची का पोस्टर दिखता है, चे गुवेरा वाला, ठीक है, फिर ओबामा का हॉप पोस्टर, फिर मदर टेरेसा का, एनी वे गॉड, ठीक है। तो हमारे को यही सबसे यानी सही सीक्वेंस में लग रहा है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सेलेक्ट द सिंबल इन राइट सीक्वेंस ऑफ देयर इंसेप्शन, ठीक है, इंसेप्शन के अकॉर्डिंग हमें राइट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पुराना आएगा जो रेड क्रॉस का है, रेड क्रॉस के बाद आना चाहिए मर्सिडीज, मर्सिडीज और फिर यहाँ पे द ओलंपिक रिंग, फिर लास्ट में मैक डोनल्ड का गोल्डन आर्क, ठीक है, गोल्डन आर्क, और ठीक है। तो सारे हमारे सही सीक्वेंस में लग गए हैं, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक स्कल्पचर को हमें समय के अनुसार लगाना है। तो यूजीसी के अनुसार तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उस पे, यानी सबसे पहले अपोलो बेल्वेडर्स, फिर प्राक्सी टेल्स आएगा, देन वीनस मिलो और लकून का। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पुरानी है वो है वीनस ऑफ मिलो की, जो काफ़ी पुरानी है, ये अराउंड इसका देखा जाए तो ये 100 BC की है, वीनस ऑफ मिलो की जो स्कल्पचर है ये 100 BC का है। फिर और जो है अपोलो बेल्वेडर्स है ये 120 से 140 के यानी AD का, ठीक है, तो अराउंड इसके यानी होना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था ये लकून वाला, लकून एंड हिस्सान जो 27 AD का है, और प्राक्सिटेल का देखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग, यूजीसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, यूजीसी फर्स्ट बताते हैं और ऑप्शन भी थोड़ा सही नहीं दे रखा है। तो ये आपके लिए यानी मैंने चॉइस छोड़ दी कि आपको कौन सा सही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है पेपर 2 का, सेलेक्ट द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट में बने हुए हैं ये बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स, उन्हें हमें अब सीक्वेंस में लगाने। तो सबसे पुराना सबसे पहले आएगा जो है द पार्थेनन, ठीक है, द पार्थेनन के बाद आएगा कोलोसियम, फिर कैथेड्रल ऑफ नोटरडम और लास्ट में सिस्टाइन चैपल। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। तो मैं इनका सीक्वेंस भी बता देता हूँ, द पार्थेनन का जो सबसे पुराना माना जाता है ये 447 BC का है, ठीक है, और अभी थोड़ी सी टूटी हुई अवस्था में है काफ़ी सारे, ठीक है, ग्रीस के अंदर है ये। फिर आते हैं हम द कोलोसियम, द कोलोसियम यानी रोम के अंदर जो इटली के अंदर है, इटली में है, और इसका यानी कोलोसियम का जो समय पीरियड है वो 70 AD माना जाता है। ये भी हल्की सी टूटी अवस्था में है, बट क्या करें,
ऐतिहासिक चीज है। कैथेड्रल ऑफ नोट्रेडम, कैथेड्रल ऑफ नोट्रेडम थोड़ा सा अच्छी हालत में पेरिस के अंदर है, ठीक है, पेरिस फ्रांस, और 1163 का इसका यानी बन गया था 1163 के अंदर। फिर आता है लास्ट में सिस्टाइन चैपल जो 15वीं शताब्दी में बना, 1473 में वेटिकन सिटी के अंदर बना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही सीक्वेंस। वेल डन गाइज, आपने यहाँ पे पेपर 2 के पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेपर का यानी सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी। उस लिंक पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको खुद अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। आपके यानी नॉलेज तो यहाँ पे वीडियो देखने से बढ़ गई है, अब आपको अटेम्प्ट करना है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और मेरा यही मकसद है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और नेक्स्ट पार्ट पे जाके पेपर 3 की वीडियो भी जरूर देखें।